राजस्थान में भी बीजेपी से आगे निकल जाएंगे? अभी आपको भी ये रुझान नहीं लग रहा है कि बीजेपी के फेवर में जाएंगे आगे? देखिए, ऐसा है, शैलेंद्र भाई ने कहीं से सीखा है अभी कुछ सालों में कि लगातार प्रचार अभियान चालू रखो, और लाइफ में कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रचार करना है। मेरे लिए प्रचार समाप्त हो चुका है, आज तो नतीजों का दिन है। इस दिन भी अगर आप नेहरू जी से कंपेयर करें, 54 साल से कंपेयर करें, खत्म हो चुकी कहानी। अभी आपकी साथी सही कह रही थी, 10 साल से आप सरकार में हैं, ये कब तक नेहरू पुराण आपके चलते रहेंगे? आप तो पिछले 10 साल में जो किया था उसका आपने हिसाब दे दिया होगा। आई एम श्योर प्रधानमंत्री इतनी सारी 200 रैलियों में बता ही रहे थे रोज की क्या क्या काम किया है उन्होंने। उसमें मटन था, फिश था, मुजरा था, रोज नरेटिव बदलने की कोशिश थी, बहुत मेहनत की गई है। अब वो जनता का फैसले का दिन है, उसका पूरा सम्मान करते हुए इंतजार करना चाहिए। हालांकि मेहनत कल तक भी की गई थी, परसों तक, जब ये 1 जून को एग्जिट पोल आए हैं, इसमें भी काफी मेहनत की गई है। साफ साफ स्पॉन्सर्ड और मैनिपुलेटेड मोस्ट ऑफ द वो हैं। जब सारे आपको 400 पार कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो शक होना लाजमी है। अब जनता का फैसला आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। हमको ये अच्छी बात है अरुण जी, ये अच्छी बात है कि ये अच्छी बात है कि ईवीएम को आप कुछ भला बुरा नहीं कह रहे हैं आप। और जी अभी कुछ नहीं कह रहे हैं हम ईवीएम के बारे में। और अगर 12 से 13 सीटें अभी रुझानों में आ भी रही हैं, तो वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी भी नहीं नजर आ रही है, बरकरार रखा है, बैलेंस रखा है अभी आपने अरुण जी अपने आप को, कि इतने खुश भी आप नहीं हो रहे हैं जिस तरह शैलेंद्र जी ज्यादा खुश हो रहे हैं। फिलहाल शैलेंद्र जी, वजह क्या होगी अगर एक भी सीट खिसकती है, क्योंकि अभी आंकड़े तो 13 और 12 की नजर आ रहे हैं, 14-11 आ रहा है अभी 14 हो गया, क्योंकि बीजेपी 14, कांग्रेस 11 पर है और अन्य के खातों में 0 अभी दर्ज किया गया है। अगर एक भी सीट खिसकती है तो वो चिंता का विषय है, और बहुत ज्यादा फोकस किया गया इस वजह से शैलेंद्र जी, क्योंकि बहुत फोकस किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां हुई, गृह मंत्री अमित शाह, निश्चित तौर पर ज्योति जी अभी 10 से 18 राउंड की मतगणना बाकी है, और आप आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो रुझान है वो कम होता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीटों पर ये रुझान बरकरार भी तो रह सकता है ना, ये रुझान बरकरार भी तो रह सकता है। इन्होंने तो 1 जून के बाद से ही मीडिया को नकारना शुरू कर दिया था, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया था। किस तरह से आपने देखा, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बता दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको कहा कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी, एराफेरी या मैनिपुलेशन इस ईवीएम मशीन में नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी किस तरह से इन्होंने माहौल बनाया 3 दिन में, हम आज भी स्वीकार करते हैं। अगर भारत की जनता जो भी मैंडेट देगी, हम उसे बहुत विनम्रता से स्वीकार करेंगे, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उन पर ही मैं चर्चा कर रहा हूं कि आज एनडीए की सरकार केंद्र में बनती हुई दिख रही है, हमें स्पष्ट बहुमत से बहुमत मिल रहा है, जो कि अभी आने वाले समय में प्रचंड बहुमत में कन्वर्ट होने वाला है। जो रुझान दिखाई दिए जा रहे हैं वो बताते हैं कि भारत की जनता पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कार्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा राज्यों में किए गए कार्य, माननीय भजनलाल की जो सरकार है उन्होंने जो 100 दिन में कार्य किए, ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे इसी का जवाब अरुण शर्मा जी से लेना चाह रहा था, यमुना जल समझौता हो, चाहे आप देखिए, लेकिन रविंद्र तो उसके पहले एक कमेंट और है, शैलेंद्र जी अभी आप ये कह रहे हैं कि 12-13 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, अब इतने जल्दी नतीजों पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन इसका मतलब कि दामोदर अग्रवाल जी फिर जल्दी कर दे रहे हैं, आतिशबाजियां जिस तरह हो रही हैं, फिर उनको भी इंतजार करना चाहिए, जब काउंटिंग पूरी हो जाए उसके बाद उत्साह जश्न मनाना चाहिए, क्यों अरुण, क्यों शैलेंद्र जी? निश्चित तौर पर अभी उनको इंतजार करना चाहिए और अभी अति उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, जब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी 3-4 बजे तक, उसके बाद ही कार्यकर्ताओं को उत्साह पूर्वक आगे आना चाहिए। ये जरूर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, अभी अति उत्साह नहीं दिखाना अरुण जी, फिर यही बात क्या दौसा के मुरारीलाल मीणा पर भी नहीं होती है? 1 लाख वोटों से अगर आगे है तो जश्न तो पता चल रहा है कि दौसा भी मनाया जा रहा है। देखिए, कार्यकर्ता कई बार अति उत्साह में आ जाते हैं और नेचुरली काफी मेहनत करके चुके होते हैं, और ये दौसा का काफी प्रचलित बात थी कि वहाँ मुरारी लाल मीणा जी जीतेंगे और
ये भी किरोड़ी लाल जी भी इशारे कर रहे हैं लगभग रोज पिछले एक हफ्ते से वो इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं, अब भी कह रहे हैं कि मेरे जिम्मे जो 7 सीटें दी हैं उसमें दौसा शामिल है, उनमें से कोई हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूं। आपको लग रहा है कि दौसा आप जीत रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा जी जीतने के बाद, आपके कांग्रेस के जीतने के बाद इस्तीफा देंगे, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं नहीं, देखिए उनके जो प्रभाव क्षेत्र है तथा कथित, उसमें से काफी सीटें कांग्रेस जीतेगी, साफ दिख रहा है हमको। लेकिन इस्तीफा देना कोई और वजह है, वो बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, बड़ी योजनाएं थी उनकी विधानसभा चुनाव के बाद, और जिस तरीके से उनको मंत्री पद पे रखा गया है तो वो कई इशारे कर चुके हैं, अभी चीफ मिनिस्टर को लेटर भी लिख चुके हैं कि इस तरीके का घोटाला हो रहा है कुछ, अभी ये भी कह चुके हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। अभी आप देखते जाइए, इसके बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे नतीजों के। ठीक है शालिन जी, 543 सीटों में से 543 सीटों में से हमारे साथ आशुतोष रावत जी सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जुड़ चुके हैं, आपके पास आते हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, 543 सीटों में से एनडीए को 294, वही 200 के आसपास, 229 के आसपास इंडिया भी दिख रही है, तो आंकड़े तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एनडीए और इंडिया में नहीं नजर आ रहे हैं, बहुत कम का मार्जिन है। विपक्ष ने इस बार टफ फाइट दी है आपको। ज्योति जी, अगर आप ज्योति जी, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी, अगर 8 बजे से आप रुझानों को देख रहे थे तो कहीं नीचे कहीं ऊपर, और मैंने जैसे आपको बताया भारतीय जनता पार्टी एनडीए के रुझान 230 तक से भी शुरू हुए, 321 तक भी, जैसे जैसे तो समय बढ़ता है वैसे वैसे रुझान सीधे सीधे नतीजों में धीरे धीरे तब्दील होने लगते हैं। जनता ने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में बन रही है, जो रुझानों से स्पष्ट है। हमारे साथ इसमें आशुतोष रावत जी भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, छोटा सा कमेंट इस पे आप देंगे, राजस्थान प्रदेश, इसके पहले बड़ी खबर आपको ये बता दें, जयपुर से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा की जीत तय मानी जा रही है, 1,00,000 में इनका डिफरेंस अभी नजर आता है, 2,00,000 से ज्यादा मतों से जीत तय मानी जा रही है जयपुर शहर से, यहाँ पर बीजेपी की जीत दर्ज, और प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो पीछे ही अभी हैं, और अभी तक क्योंकि काउंटिंग चल रही थी, 13 राउंड की जो काउंटिंग थी वो चालू थी, लगभग अभी 21 राउंड की काउंटिंग है सर। बिल्कुल, और ये क्योंकि 2,00,000 से ज्यादा, 2,00,000 से ज्यादा मतों का अंतर है, तो इस मतों के अंतर को पूरा कर पाना, इसको पाट पाना, इसको पछाड़ पाना बहुत आसान नहीं है, नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत आसान नहीं है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मंजू शर्मा की 2,00,000 से ज्यादा मतों से जीत तय मानी जा रही है जयपुर शहर से प्रत्याशी बीजेपी की मंजू शर्मा, और जयपुर शहर अमूमन बीजेपी का गढ़, बीजेपी का किला माना जाता रहा है, बीजेपी लगातार बीजेपी इस जयपुर शहर की सीट से जीतती रही है, तो फिलहाल ये क्या हम माने कि क्या पहली जीत का जो ऐलान होगा, पहले नतीजे का जो ऐलान होगा, क्या वो जयपुर से ही नतीजा आएगा अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा मार्जिन लेकर मंजू शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं, तो उससे मंजू शर्मा की प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ जो जीत है वो अब करीब करीब तय मानी हुई नजर आ रही है, जिस तरह से ये वोटिंग का या जिस तरह से ये वोट्स का मार्जिन है, फासला है, क्योंकि फासला काफी ज्यादा हो चुका है, 2,00,000 से ज्यादा का फासला, अब इसको नामुमकिन तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ जो कोशिश है वो फिलहाल कम नजर आ रही है, और यहाँ देखना होगा क्योंकि बीजेपी शहरी पार्टी के रूप में जानी जाती है और जयपुर शहर से ही हो सकता है बीजेपी जीत के तरफ आगे बढ़ती हुई फिलहाल यहाँ दिखाई पड़ रही है। गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आशुतोष जी के पास, मैं एक बार आशुतोष जी के पास जाकर ये सवाल करना चाहूंगा। आशुतोष जी, देखिए बीजेपी और कांग्रेस तो अभी इन रुझानों को देखकर ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पूरे रुझान आंकड़ों में या यूं कहें कि रिजल्ट में तब्दील हो जाएंगे, हम भी ये नहीं कहते कि इसको मानना चाहिए, लेकिन ये रुझान आए हैं, आप भी लगातार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कई चुनाव, विधानसभा के लोकसभा चुनाव भी देख चुके हैं, थोड़े बहुत हमने भी देखे हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, अगर हम इसको मद्देनजर रखें राजस्थान की, क्या कारण लगते हैं कि कांग्रेस 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, क्या कारण लगते हैं कि 11 सीटों से बीजेपी पिछड़ रही है, दोनों का ही आकलन? आशुतोष जी, देखिए रविंद जी, पहली चीज तो यह है कि मैंने आपको परसों जब एग्जिट पोल आए थे उस समय भी कहा था कि राजस्थान में बहुत कांटे का मुकाबला है, बहुत सारी सीटों पर बहुत टफ फाइट है, इसलिए हमको अंतिम